शिक्षक दिवस पर आज का मुद्दा में चर्चा जारी है, कहाँ गए गुरुजी। हमारे साथ हैं चीफ एडिटर प्रताप राव जी। प्रताप जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात चल रही थी डॉक्टर कलाम की। डॉक्टर कलाम के जो व्यक्तित्व है, जो संदेश उन्होंने भारत को दिया, और खास तौर पर जो दृष्टिकोण, जो रक्षा क्षेत्र में उनका योगदान है, ऐसा गुरु भारत को चाहिए। अश्विनी, अब्दुल कलाम को केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित करके उनके जो योगदान है भारत में उसको हम सीमित कर देंगे। उनका मुख्यतः योगदान रक्षा क्षेत्र नहीं है। उन्होंने जो नई पीढ़ी के लिए, जो नई पीढ़ी को जो प्रेरणा दी है, उनका यह कहना कि नई पीढ़ी सपने देखे और सपनों को सच करने के लिए खड़े होकर तब तक परिश्रम करे कि जब तक उसको अगला सपना नहीं आए, यानी कि तब तक सोए नहीं वो, इस तरह की प्रेरणा देने वाले शायद अपने भारत में आज़ादी के बाद कोई नहीं आया। अब्दुल कलाम जितना बड़ा प्रेरित करने वाला युवा पीढ़ी को शायद भारत को कोई नहीं मिला। आज भी युवा पीढ़ी उनकी दीवानी इसी बात को लेकर है कि जो कलाम कहते हैं वही करके दिखाते हैं, और आज युवा पीढ़ी उनकी बात को मानती है और काफ़ी कलाम से प्रेरित होकर युवा पीढ़ी आगे भी बढ़ रही है। ऐसा गुरु भारत को चाहिए, ऐसा शिक्षक भारत को चाहिए जो कलाम जैसा हो, जो कलाम जैसा प्रेरित कर सके, वक्त पर जो किताबें लिखकर उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया। एक सबसे बड़ी बात अश्विनी, मैं सोच रहा था कि आखिर में गुरु में और शिक्षक में अंतर क्या है, तो मुझे लगा कि गुरु एक वो होता है जिसको डिग्री की जरूरत नहीं है, और जो शिक्षक होता है उसको या तो बीएड या पीएचडी करना जरूरी है, तभी वो पढ़ाने जा सकता है। गुरु के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन शिक्षक के लिए टाइम फिक्स है। गुरु के लिए कोई कोर्स तय नहीं है, शिक्षक के लिए कोर्स तय है। गुरु जो एक आदमी के व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास पर सोचता है, और शिक्षक सोचता है किसी भी तरह से नंबर पाके मेरिट में स्थान आ जाए। इतना बड़ा अंतर और गैप है, और समाज में जो अच्छी शिक्षा होने के बावजूद, पढ़े लिखों की संख्या बढ़ने के बावजूद और शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद भी यदि समाज में बुराइयां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो उसके पीछे यही एक अंतर है कि समाज को जरूरत है गुरुओं की, और तैयार जो बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं शिक्षक, आज हमारे देश को उन गुरुओं की जरूरत है जो सही दिशा दे सके। केवल केवल प्रोफेशनल लोगों को तैयार करके और प्रोफेशनल लोगों की भीड़ खड़ी कर दे, ऐसे एक शिक्षक नहीं चाहिए। आज चाहिए जो देश के लिए समर्पित भाव से तैयार होकर देश के लिए काम कर सके, ऐसे नागरिक चाहिए जिसके लिए गुरु बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ संदेश हमारी फिल्में देती हैं, टीवी सीरियल्स देते हैं, जहां जो शिक्षक दिवस है उसका जो मकसद है कहीं ना कहीं उन गानों में, उन सीरियल्स की स्क्रिप्ट में साफ दिखता है। पश्चिम से उगा दे, हम वो है जो दो और दो पांच बना दे। ये गीत दो और दो पांच फिल्म का है। फिल्म की कहानी दो शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती है। वास्तव में शिक्षक अगर सही है तो वो कुछ भी कर सकता है, दो और दो पांच भी कर सकता है। एक शिक्षक भविष्य दृष्टा होता है, इसीलिए उस पर पूरे देश के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। ये शिक्षक ही हैं जो देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं और वो दिशा देते हैं जो उनका पथ निर्धारित करती है। जब देश पर संकट आया तब शिक्षकों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो राष्ट्र का गौरव बढ़ाए, और देश गौरवशाली तब होता है जब शिक्षक अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का सही तरह से पालन करते हैं। शिक्षक व परिषद तो गौरव घोषित तब होगी जब यह राष्ट्र गौरवशाली होगा, और यह राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब यह राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों व परंपराओं का निर्वाह करने में सफल व सक्षम होगा, और यह राष्ट्र सफल व सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। एक शिक्षक तब ही सफल माना जाता है जब वो हर एक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये एक शिक्षक की असफलता है, और देश में ऐसा ही हो रहा है। स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राजनैतिक सत्ताओं के हितों से राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है, अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो भी शिक्षक संकोच न करे। इतिहास साक्षी है कि सत्ता व स्वार्थ की राजनीति ने इस राष्ट्र का अहित किया है, हमें अब सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना है। शिक्षक असफल होता जा रहा है, न सिर्फ असफल हो रहा है बल्कि अनाचार और व्यभिचार में डूबता भी जा रहा है।
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सवाल खड़ा होता है कि कैसे होगा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, कैसे बढ़ेगा राष्ट्र का गौरव और कैसे बचेगा देश। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। ऐसे और कई सवाल खड़े होते हैं जिन पर चर्चा करेंगे। बहरहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर KL कमल साहब। कमल साहब, आपसे सवाल, आज के दौर में शिक्षक दिवस जिस तरह से मनाया जाता है, क्या लगता है कहीं गुरुजी खो गए? क्या प्रश्न आपका जी? क्या लगता है आज के दौर में शिक्षक कहीं खो गए हैं, गुरुजी कहीं खो गए हैं, क्योंकि जो बुनियादी तालीम की बात की जाती है वो नजर नहीं आती? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। शिक्षक दिवस पर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। शिक्षक की जो गरिमा रही है भारतीय संस्कृति, तो शिक्षक को जो है भगवान से भी बढ़कर के बताया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े अपन सब जानते हैं, लेकिन आज वो गरिमा नहीं रही है शिक्षक की जो होनी चाहिए थी। आज युग बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, विज्ञान का युग है, तकनीकी ज्ञान का प्रसार हो रहा है। वहां कि मैं मानता हूं जी कि हिंदुस्तान का शिक्षक जो है कुछ आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन वो मूल्यों से दूर हो गया है। भारतीय संस्कृति ने जो शिक्षक को सम्मान और गरिमा दी थी और कुछ मूल्यों की जो बात की थी, बिना मूल्यों के शिक्षक जो है बेकार है, कोई मतलब नहीं होता, केवल जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो आज का शिक्षक केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन नॉलेज नहीं दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन तो आपको इंटरनेट से मिल सकती है, अखबारों से मिल सकती है। कमल साहब, बड़ा सवाल उठता है कि हमारे देश को विश्व गुरु भी कहा जाता है, ऐसी स्थिति में हमारे देश के शिक्षक में ये बदलाव क्यों आ गया? क्यों अपनी उन ऊंचाइयों को छोड़कर वो निचले स्तर पे आ गया? क्या कारण है उसके पीछे? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि शिक्षक भी समाज का ही अंग है जी। जब समाज में ये स्थिति है, जो शासक भ्रष्ट हो गया है जी, क्षत विक्षत हो गए हैं, संस्थाएं जब टूट रही हैं जी, तो आखिर शिक्षक आता कहाँ से? आता तो इस समाज से जी। ये जो कंज्यूमरिस्टिक कल्चर जिसको अपन कहते हैं, उपभोक्ता संस्कृति, सारे समाज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो शिक्षक निकलता तो इसी में से, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिक्षक को अच्छे विचार नहीं रखने चाहिए या मूल्य उसके जीवन में नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ। यदि समाज उधर जा रहा है, समाज को बदलने का दायित्व तो शिक्षक का है, समाज को आगे रास्ता दिखाए शिक्षक का काम है। तो शिक्षक को इस सारा जो ट्रेंड चल रहा है इधर, उस ट्रेंड को बदलने का जिम्मा शिक्षक का है। तो मानता हूँ कि शिक्षक को, बावजूद इसके कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, संस्थाएं टूट रही है, मूल्य विकसित हो रहे, टीचर को चाहिए कि वो कम से कम जो मतलब अपनी गरिमा को बनाए रखे और समाज। कमल साहब, बड़ा सवाल ये उठता है कि अब वापस देश को चाणक्य और शंकराचार्य जैसे शिक्षकों की जरूरत है। क्या ऐसी आज की परिस्थितियों में ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं? आपने चाणक्य की बात कही, एक चाणक्य सीरियल मुझे याद आ रहा है जी, उसमें यही पात्र कहता है कि जहाँ राजनेता, जहाँ प्रशासक और लोग जो है मतलब वो संस्कृति से अलग हो गए, संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व तो केवल अध्यापक का है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। शंकराचार्य और चाणक्य की जो आपने बात कही है, बहुत बड़े उदाहरण है ये जी। तो मैं कहता हूँ कि वो गरिमा, देखिए मानव, यानी मानव विकास ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए ना, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको अपन कहते हैं जी। लेकिन आज मूल्य रहित शिक्षा हो गई है जी। और पश्चिम में शिक्षा को तो कमोडिटी मान करके चल रहे हैं जी। कि जैसे एक कोई चीज या वस्तु है और मार्केट फोर्सेस उसको डिटरमिन कर रहे हैं जी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो ज्ञान है, जहां से भी ज्ञान आता है वो ग्रहण करे शिक्षक, अपने मूल्यों को तो नहीं छोड़े। गांधी यही कहते थे कि मैं अपने दिमाग की खिड़की खुली रखना चाहता हूँ ताकि ताजी हवा आती रहे, लेकिन मैं अपनी धरातल को नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि समृद्धतम सांस्कृतिक धरोहर के उत्तराधिकारी। कमल साहब, आपका इतना लंबा अनुभव है, क्या कारण है कि क्या और कैसे ये बदलाव कैसे आ सकता है, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। क्या ये हमारे देश में बदलाव नहीं आ सकता? क्या शिक्षक अपनी उस पुरानी परंपरा को और प्राचीन अपनी जो मर्यादाएं हैं उनमें वापस लौटकर देश को दोबारा सशक्त नहीं कर सकते? देखिए, मैं आशावादी जरूर हूं जी, लेकिन मैं ये भी एक यथार्थवादी के नाते में सोचता हूँ कि स्थिति काबू से बाहर जा चुकी है जी। उपभोक्ता संस्कृति ने सारे देश को, सारे समाज को जो अपने उसमें काबू में ले लिया है जी। थोड़ा मुश्किल है केवल शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, इसे समाज का ही तो अंग है। मैं कुलपति रहा, बहुत और पदों पे रहा, काफी सारा जीवन शिक्षा के लिए दिया जी। वर्क संस्कृति, वर्क कल्चर जिसको अपन कहते हैं, कार्य संस्कृति नष्ट हो गई है, मूल्य क्षत विक्षत हो गए हैं और आज वो बात रही नहीं है। अब देखिए कितनी लानत की बात है कि विश्व के 200 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो हैं
मैं भारत का एक भी नहीं है, नहीं है। मैं पश्चिम के बहुत देशों में गया हूँ और मैंने देखा कि शिक्षा के वह मूल्य है, नैतिक आचरण है उसका, वो क्लास को छोड़ता नहीं है, वो अपना काम ईमानदारी से करता है। आज तो स्थिति हो गई शिक्षक शिक्षा के अलावा टीचिंग के अलावा और बहुत सारे काम करने लग गया। जी जी तो बहुत गलत है ना, आखिर राजनीति का ये आसुरी प्रसार जो है जी शिक्षक को कहां ले जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद कमल साहब धन्यवाद। तो कुल मिलाकर खुद लंबे समय तक शिक्षक रहने के बाद उनके मन की भी पीड़ा है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले लोग कहते थे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, यानी कि गोविंद से भी बड़ा। अब अगर किसी बच्चे से बात कर ले तो मैं तो एक गीत सुना तो बड़ा मेरे को आश्चर्य हुआ, वो बोलने लगा गुरुजी हो जाए बीमार ईश्वर विनती करता हूँ, गुरुजी के हो जाए निमोनिया हमरा बजेगा हारमोनिया। यानी कि गुरुजी के बारे में गोविंद से लेकर और बीमार होने तक की जो एक मानसिकता बन गई है, तो हम समझ सकते हैं कि शिक्षक का योगदान किस तरह से घटता जा रहा है। चाणक्य की बात आ रही थी उस फिल्मी गीत की जहां शिक्षक 2 और 2 5 बताता है, साथ ही चाणक्य बताता है देश के निर्माण में कितनी अहम भूमिका है। मतलब साफ था कि वो शिक्षक आज के दौर का है और वो शिक्षक वो था जो देश का निर्माण करना चाहता है। बिल्कुल अश्विनी, ये बिल्कुल साफ बता रहा था कि जिस तरह से 2 और 2 5 सिखाकर बच्चों को किस तरह से किस गलत रास्ते पे शिक्षक ले जा रहे हैं कि हर चीज को 2 और 2 5 कर दीजिए आप, सिद्धांतों पे मूल्यों को छोड़कर, जो अभी मूल्यों की शिक्षा की मूल्यवान शिक्षा की जो बात कह रहे थे, अब मूल्यों वाली पैसे वाली शिक्षा की बात होने लगी है। तो जो 2 और 2 5 में यही दिखाया जा रहा था कि किस तरह से 2 और 2 5 करके आदमी आगे बढ़ सकता है, चाणक्य ने बिल्कुल टंकार की, नहीं देश और समाज के लिए उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने बात की ऐसे गुरुजी की जिनका वास्ता सिर्फ लक्ष्मी से है, इन पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं एक मामला टोंक से। दौर में शिक्षक बदलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं और अगर जाते हैं तो पढ़ाते नहीं। ऐसे शिक्षक सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाते नहीं है, छात्रों को घर पर ट्यूशन लेने के लिए बुलाते हैं और हद तो उस वक्त हो जाती है जब ये निजी स्कूलों में जाकर पढ़ाते हैं। ऐसा ही एक मामला टोंक में सामने आया जब कुछ छात्र नेताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक सरकारी व्याख्याता द्वारा ट्यूशन की शिकायत की। जब अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी तो वो व्याख्याता निजी स्कूल में 17 छात्र छात्राओं को पढ़ाता मिला। सीताराम सैनी नाम का ये शख्स टोंक के कोठी नाथमाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता है, लेकिन ये ट्यूटर खोरी की आदत से बाज नहीं आता। प्रभाव कुछ ऐसा है कि कोई भी कार्रवाई करने तक की हिमाकत नहीं कर पाता है। हालांकि अब जाकर इस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये अकेला ऐसा मामला नहीं है, यहाँ हर गली मोहल्ले में सरकारी टीचर अब यही कर रहे हैं। देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी रखने वाले शिक्षक देश का भविष्य खराब करता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए कोटा से व्याख्याता आरके सिंह जी जुड़ चुके हैं। आरके सिंह जी, आपसे सवाल है, आज के दौर में शिक्षा बदली है, शिक्षा का शिक्षक का अंदाज बदला है, क्या मूल्य भी बदल गए? हाँ, ये तो सही है जी कि युग के परिवर्तन के साथ जी हमारे पूरे सिस्टम में जो बदलाव आ रहा है वहाँ मूल्य भी अछूते नहीं है, युग के बदलाव के साथ मूल्य भी बदल रहे हैं जी। और जो जो हमारी आस्थाएं मूल्यों के प्रति थी, सिद्धांतों के प्रति थी, नैतिकता के प्रति थी, वो आज इस पीढ़ी में जो आजादी के बाद जो पीढ़ी, खासकर 60-70 दशकों के बाद जो पीढ़ी आ रही है उसमें बहुत गिरावट आ रही है इस चीज की। सिंह साहब, इसके लिए कारण किसको मानते हैं? क्योंकि हम पीढ़ी को तो दोष उनके ऊपर दोष मढ़ देते हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? आखिर में ऐसा बदलाव क्यों आ गया है? क्यों 2 और 2 5 में इंटरेस्ट लेने लगे शिक्षक? क्यों हेरा फेरी करने लगे हैं शिक्षक? वैसे सर, बात यह है कि शिक्षक ही अकेला दोषी नहीं है इस चीज के लिए जी। सच तो ये है कि हमारा जो सिस्टम राजनीति का आया है जी, एक कहावत है हिंदी में, यथा राजा तथा प्रजा जी। तो जिस जिन लोगों के हाथ में देश की देश का शासन है जी, पूरा तंत्र है जी, और उनका जब कोई चरित्र नहीं बचा जी, तो जिस व्यवस्था के नीचे ये चाहे शिक्षा